मैं सोनू कुमार ग्राम बिशुनपुर महवारी महाराजगंज सिवान बिहार का निवासी हूँ। हम लोग बसंतपुर में लगभग 17 वर्ष रहे, वहाँ से पढ़ाई लिखाई किए, तो मेरे सर्टिफिकेट पे और मेरे पासपोर्ट पे वहीं का एड्रेस है। मैं 80,000 रुपया ब्याज पर कर्जा काढ़ कर मैं विदेश गया था, मालदीप। 6 जनवरी 2019 को मैं विदेश गया, वहाँ पर मेरा 3 महीने का सैलरी नहीं दिया, सिर्फ टिकट करा कर भेजा है और धोखा से सिग्नेचर करा लिया है। जब मेरा 1 महीने का सैलरी पेंडिंग किया तो कुछ नहीं बोले, दूसरा का महीना का सैलरी पेंडिंग किया कुछ नहीं बोले, तीसरा का महीना का जब सैलरी पेंडिंग किया तो हम अपने कंपनी के बॉस को मिर्जा को मैं वाइबर से मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैं इंडिया हाई कमीशन माले में मैं कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपका सैलरी नहीं दिलवा सकता हूँ, मैं आपको इंडिया वापस भेज सकता हूँ, आपका सैलरी लेबर रिलेशन ऑथोरिटी दिला सकता है। मैंने बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने 3 लेटर दिए, बोले कि एक लेबर रिलेशन ऑथोरिटी में दे दीजिएगा, एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में दे दीजिएगा। मैं एक लेबर रिलेशन ऑथोरिटी में दिया, दूसरा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में दिया। उसके बाद से मिर्जा बॉस ने हमको बुलाया ऑफिस में और बहुत कम सैलरी दे रहा था, मेरा लगभग माले का 10,500 रुपया सैलरी बनता था और मुझे 5,000 रुपया करके ऐसे दे रहा था, मैं नहीं लिया। उसके बाद में हमको बहुत प्रेशर भी किया, उसके बाद में लेबर रिलेशन ऑथोरिटी वाले ने बुलाया, हमको बुलाया, कंपनी के बॉस मिर्जा को बुलाया और एचआर मैनेजर को भी बुलाया। वहाँ पर गए लोग तो वहाँ पर 2 मैडम थी और वहाँ पर बहस होने लगा, तो वहाँ पर मिर्जा बोला कि ये हमसे बिना पूछे हुए पॉइंट छोड़कर गया है। मैं बोला कि मैं 3 बार मैसेज किया सैलरी देने के बारे में, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, अगर मैं आपको बता कर जाता इंडिया हाई कमीशन में तो आप मुझे नहीं जाने देते, इसलिए मैं बिना बताए हुए इंडिया हाई कमीशन में गया। तो वहाँ पर मैं दिखाया भी कि देखिए मैं वाइबर किया हूँ इनको, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं। वो मैडम उसके प्रति बोलना चाहिए लेकिन उन्होंने रोक दिया, किसी ने ठीक ही कहा है कि कितना भी भोथर हंसुआ रहेगा तो अपने की ओर ही खींचता है। मैडम बोली कि देखो तुम्हारा इतना ही सैलरी हुआ लोगे कि नहीं, मैंने बोला कि मैं नहीं लूँगा, मेरा पूरा सैलरी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तब इसके बाद तुमको सुप्रीम कोर्ट में कहना होगा। अब मेरा कल ही का टिकट था, आज बहस चल रहा था, मैं वहाँ से चला आया। फिर मिर्जा ने मुझे ऑफिस में बुलाया, मैं ऑफिस में गया, वहाँ पर भी बहुत ही प्रेशर किया, लगभग 10 बजे लो वहाँ पर बहुत प्रेशर किया कि इतना ही तुम्हारा सैलरी है ले लो। मुझे अब सब भी बोला, मैं अकेला था वहाँ पे, मैं तैयार भी हो गया था ये ठीक है, लेकिन फिर वो बोला कि अब ये भी सैलरी नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ से उठकर चल दिया। फिर लगभग 10 और 12 बजे रात के बीच में फिर मुझे बुलाया गया वहाँ पे, मैंने बोला कि इसलिए, तो बोला कि चलो सैलरी मिलेगा। मैं वहाँ पर गया, कहा कि यहाँ पर सिग्नेचर करो, मैं कहा कि पहले सैलरी दो, तो वो बोला कि पहले यहाँ पर सिग्नेचर करो। वहाँ पर नौशाद नाम का लड़का था, एचआर मैनेजर था, मिर्जा था, एक शकील नाम का लड़का था, ये सब मुझे प्रेशर देने लगा साइन करने के लिए। वहाँ पर मुझे 2-3 पेपर पे साइन करवाया और मुझे सैलरी भी नहीं दिया। मैं वहाँ से चला आया, मेरा मेहनत का पैसा है, इसलिए मुझे हमेशा दिमाग में खटकते रहता है, अगर मैं कोई गलती किया रहता तो मैं छोड़ देता कि चलो मेरे से गलती हुई है छोड़, नहीं कोई नहीं, लेकिन मैं गलती भी नहीं किया हूँ और मेरे साथ धोखाबाजी भी किया है और मेरा मेहनत का पैसा भी
नहीं दिया है। और ये घटना सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, मैं जब वहाँ उतरा तो वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी कह रहे थे कि मेरा 2 महीना का सैलरी बाकी है, मेरा 3 महीना का है, किसी किसी ने 4 महीना का कहा, किसी किसी ने 5 महीना कहा, कोई 6 महीना तक कहा। अब मैं इतना रुपया लगा कर गया था तो मैं भी कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। अब आगे चल के मेरे साथ भी ऐसा भी होने लगा जिसके कारण मैं हमको ये कदम उठाना पड़ा। और सभी लड़का जो है लगभग 8-10 गो लड़का जो है वो भी इंडिया हाई कमीशन में जो है शिकायत किया था, मैं उसका भी आपको सबूत भेज दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, मुझे न्याय चाहिए।